स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं प्राइम डिबेट। कोरोना वायरस को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज होने लगी हैं। एक बार फिर अचानक से बड़े केस लोगों के माथों पर चिंता की लकीरें खींच रहे हैं। बीते 24 घंटे के आंकड़ों की बात करें तो मामला 43,000 के पार चला गया। क्या जिस चेतावनी की बात विशेषज्ञ कर रहे थे, क्या वो लहर आ गई है? क्या जिस चेतावनी की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, क्या वो आ गई है? वही साथ ही यतीम बच्चों के आंकड़ों को लेकर भी केंद्र सरकार घिरती जा रही है। इसी बात पर आज हम विस्तृत चर्चाएं करेंगे कि जिस तरह से केरल में एकाएक केसेस में इजाफा देखने को मिला है कोविड केसेस का, तो हर बार हमने देखा है कि केरल से ही कहीं ना कहीं जब ये चेतावनी आती है और केरल में केसेस बढ़ते हैं तो भारत में बढ़ने अन्य राज्यों में भी शुरू हो जाते हैं, तो क्या केसेस में बढ़ोतरी चिंता बढ़ा रही है और तीसरी लहर क्या दूर नहीं है, जल्द ही दस्तक दे सकती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यतीम बच्चों को लेकर जो आंकड़े सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए हैं, क्या है वो, उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी वो झूठे हैं आंकड़े, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कोरोना की सेकेंड वेव से मुकाबले में संसाधनों से जुड़े जो भी गतिरोध थे वो तेजी से दूर किए जा रहे हैं। युद्ध स्तर पर काम करने का प्रयास हो रहा है। पीएम मोदी जिस तैयारी की बात कर रहे हैं वो तैयारी कितनी फिट बैठती है, ये तो खैर तीसरी लहर के आने के बाद पता चलेगा। लेकिन पीएम मोदी की तैयारी और उनकी चेतावनी के बीच एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। जी हां, एक बार फिर कोरोना दबे पांव तबाही मचाने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञ और केंद्र की तरफ से लगातार लोगों को चेतावनी जारी की जा रही है। पिछले चार हफ्तों में डिक्रीज की बजाय इंक्रीज हमारे पास विजिबल हुई है, तो आज हमने उसको सामने चिन्हित किया है। इट मे बी अ चांस, इट मे बी ओनली एन एबरेशन, बट इट इज़ ऑल्सो अ कंसर्न, कॉज फॉर कंसर्न दैट वी हैव टू बी केयरफुल कि जिस जिलों में केसेस गिर रहे थे वहाँ पे बढ़ोतरी आई है। उनको लव अग्रवाल जी ने अच्छी तरह से डिटेल में समझाया ये लोकेशंस कहाँ हैं, फिर दर्शाता है कि वेव अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है, वायरस कम होता होता फिर सजग हो जाता है। और जैसे कहा गया कि वी मे बी टायर्ड बट वायरस इज़ परहैप्स नॉट टायर्ड, तो ये एक अलर्ट है हमारे लिए इसकी तरफ देखना। इसी प्रकार हमने ये भी देखा है कि 8 जिलों में बढ़ोतरी कम हो रही थी 10% पॉजिटिविटी की, और एडिशनल जिलों में पॉजिटिविटी बढ़ी है। आखिरकार जिस लहर की चेतावनी लगातार जारी की जा रही थी वो आती दिखने लगी है। जी हाँ, कोरोना के मामले अब एक बार फिर से बढ़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, वहीं केरल में तेजी से बढ़ रहे आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से 43,654 लोग संक्रमित हुए हैं। दक्षिण राज्य केरल ने एक बार फिर से कोरोना के नए मामलों ने नया रिकॉर्ड बना लिया है। कोरोना संक्रमण के नए मामलों ने एक बार फिर से तीसरी लहर की चिंता बढ़ा दी है। केरल में बीते दिनों 22,129 नए मामले सामने आए हैं। बता दें कि पिछले 51 दिनों में पहली बार देश के किसी राज्य में कोरोना के 20,000 से ज्यादा मामले एक दिन में मिले हैं। राज्य में संक्रमण के नए मामलों के रिकॉर्ड की वजह से एक बार फिर सरकार की परेशानी बढ़ सकती है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान यतीम और बेघर हुए बच्चों की संख्या में सरकारी आंकड़े और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के आंकड़ों में 10 गुना अंतर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है। कोर्ट ने कहा है कि NCPCR यानी बाल अधिकार संरक्षण आयोग मार्च 2020 से जुलाई 2021 तक ऐसे यतीम हुए बच्चों की संख्या 6,855 बता रहा है और केंद्र सरकार 645 आंकड़े दे रहा है। ऐसे में दोनों आंकड़ों में इतना अंतर कैसे है? कोर्ट ने कहा कि हम लगातार जोर दे रहे हैं कि अनाथ हुए बच्चों के लिए योजनाओं पर फौरन अमल किया जाए,
लेकिन इन आंकड़ों से तो लगता है कि सरकार की कथनी और करनी में काफी अंतर दिखाई दे रहा है। एक तरफ सरकार मौत के आंकड़ों और मुआवजों में जूझी हुई है, तो दूसरी तरफ कोरोना के केस भी उसकी मुसीबत बढ़ा रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि सरकार इन सारी चुनौतियों का सामना कैसे करती है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। तो जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, वो चिंता बढ़ा रहे हैं, इसी को लेकर आज हमारी ये प्राइम डिबेट का आगाज करती हूं मैं। और हमारे साथ आज पैनल में मौजूद हैं बीजेपी नेता अश्विनी शाही, सपा नेता विवेक पांडे जी, साथ ही साथ डॉक्टर राजेश प्रजापति जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो सबसे पहले डॉक्टर राजेश, आप पर आना चाहूंगी, क्योंकि कोविड एक बार फिर से चिंता बढ़ा रहा है और जिसको लेकर जो केसेस में इजाफा हो रहा है, वो किस हद तक आपको लगता है, क्या तीसरी वेव ने दस्तक दे दी है या कुछ ही पलों की देरी है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। हेलो, हाँ जी। जिस प्रकार से हमारे देश में अभी सेकेंड वेव जस्ट अभी खत्म हो रही है और अभी देश के कुछ राज्य में, विशेषकर जो नॉर्थ राज्य है, उनमें जो केसेस है फिर से बढ़ रहे हैं, और कल के मुकाबले अगर देखा जाए आज में करीब 14,000 केसेस का इजाफा हो गया। तो ये कुल मिला के स्थिति अभी भी, जैसे मैं बोलूंगा कि अभी भी हमें बिल्कुल निश्चिंत रहने की आवश्यकता नहीं है, पूरी तरह से ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वायरस वापस आ सकता है। मैं इसे थर्ड वेव की शुरुआत तो नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी बहुत सारे, अगर आप दूसरे और राज्यों की बात करें तो केसेस का जो नंबर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी राजेश जी, आ रही है आवाज। लेकिन डॉक्टर राजेश जी, हम लगातार चर्चा करते आए और ये लगातार समझने की भी कोशिश करते रहे कि एक जो केसेस में इजाफा होता है तो एक खतरे की घंटी होती है, लेकिन अभी डेल्टा के ही मामले सामने आ रहे हैं। क्या ये मामलों में, अगर जो डेल्टा प्लस की भी बात की जा रही थी, क्या अगर उसके मामले आते हैं तो चिंता बढ़ेंगी, या फिर डेल्टा के जो मामले आ रहे हैं वो क्यों इस बढ़त के साथ सामने आए, क्योंकि केरल में 22,000 से अधिक मामले? जी कीर्ति जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो मुख्य चिंता का विषय है हमारे लिए, जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसके लिए, कि केरला में जो वैक्सीनेशन का परसेंटेज था वो बाकी के जो देश के अन्य राज्य थे उनसे अच्छा था, उसके बावजूद केरला में जो नंबर ऑफ केसेस है वो बढ़ रहे हैं और वैक्सीनेशन के बाद भी वहाँ पे जो नए केसेज हैं उनमें इजाफा हुआ है। तो ये कुल मिला के एक बात ये समझने की है कि जो डेल्टा वेरियंट है, इस वेरियंट पे जो हमारी जो प्रेजेंट वैक्सीन है कोविशील्ड जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई है, उसका जो प्रभाव है वो पहले की तुलना में कम देखने में मिलता है। जी डॉक्टर राजेश, बिल्कुल पहले की तुलना में कम देखने को मिल रहा है, लेकिन हम लगातार चर्चाएं यही कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस वैक्सीन के चलते दिक्कतें आप लगातार हो रही थी, क्योंकि वैक्सीन को सबसे प्रमुखता दी जा रही है और केरल में भी हम ये कह रहे थे कि वहां पर सतर्कता बढ़ती जा रही है, उसके बावजूद जो केसेस बढ़े हैं, तो ये अनलॉक की जो स्थिति उत्पन्न हुई है और लोगों के द्वारा जिस तरह से अनलॉक में काम शुरू किया गया है, क्या यही वजह है केसेस बढ़ने के पीछे, या कोई और वजह भी हो सकती है, क्योंकि बदलाव लगातार? जी, वायरस का अपना एक साइकिल होता है और जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि जो स्पेनिश फ्लू था 1917 से 1919 तक लगभग 2 साल तक चला था, तो ये भी काफी नया वायरस है और बहुत तेजी से म्यूटेट हो रहा है। कई के बाद वायरस में म्यूटेशन होता है, स्पेशली अगर ऐसा म्यूटेशन है जो आपको इम्यून एस्केप मैकेनिज्म में हेल्पफुल होता है वायरस से, तो वायरस जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज हैं उनके अगेंस्ट उस इतनी अच्छे से काम नहीं करती और आपको दोबारा से बीमारी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मैं इसको ये बोलूंगा कि वायरस का एक नेचुरल हैबिट है, उसका स्वभाव है कि वो इस तरह से अपना रूप परिवर्तित करके आएगा, लेकिन इससे बचने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें होती है वो अगर हम देखें तो जो शिक्षा का स्तर है या साक्षरता का स्तर है वो भी केरला में अच्छा है और वैक्सीनेशन का परसेंटेज भी अच्छा है, इसके बावजूद वहाँ पे मामलों में बढ़ोतरी होना इस बात को दर्शाता है कि हमें कोरोना वायरस का जो स्वरूप है उसके प्रति जागरूक रहना चाहिए और बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने जो गार्ड हैं या जो बोले कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो करना बंद नहीं करना चाहिए। और फिलहाल क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि वायरस जैसे जैसे हम वैक्सीनेशन बढ़ाते जाते हैं सब कुछ करते हैं उसके बाद भी वायरस री एमर्ज होकर आता रहता है, तो इस री एमरजेंस से बचने का सबसे यही सही तरीका यही होता है कि आप एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें
और अगर केसेस आ भी रहे हैं तो उन्हें जल्दी डिटेक्ट करें, ज्यादा से ज्यादा केसेस की जीनोमिक सीक्वेंसिंग करें ताकि अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट स्टार्ट। जरूरी है सतर्क रहना और लगातार टेस्टिंग को और ज्यादा बढ़ाना भी बहुत ज्यादा अनिवार्य हो गया है। मैं विवेक जी आप पर आना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी क्या लगता है जिस तरह से लगातार सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है और ये चीज कह रही है कि कहीं ना कहीं केसेस कम हो रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा हाथ है कि जो T3 फॉर्मूला अपनाया जा रहा है ट्रैकिंग टेस्टिंग और ट्रीटमेंट का, वो कारगर साबित हो रहा है और उत्तर प्रदेश में भी मामले कम हो रहे हैं। कई जिले ऐसे हैं जहां पर ये भी कहा गया है कि कोरोना मुक्त हो चुके हैं पूरी तरीके से, वहीं केरल में एकाएक इजाफा, किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? कीर्ति जी पूरे मंच को सरिदा धन्यवाद देते हुए, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आज ये जो मुद्दा है, ये विषय जो है, इसका हम राजनीतिकरण न करते हुए केवल बेस्ड मुद्दों पर बात करें, क्योंकि मुद्दों से भटकने के कारण ही मुझे लगता है कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है और हम केवल वाहवाही के और प्रशंसा के चक्रों में उसके आसपास घूम करके ही रह जाते हैं। मुझे लगता है कि हमें बड़ी जिम्मेदारी से, अगर कोविड की बात हो रही है तो मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि डॉक्टर साहब के साथ आज मेरी दूसरी बार मुझे मौका मिला डिबेट करने के लिए और सर का मैं अभिनंदन करता हूँ। और IMA के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर नवजोत दाहिया जी का आपको स्टेटमेंट याद होगा जब उन्होंने कहा था, मैं उस स्टेटमेंट को पूरा दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन कोविड स्प्रेडर की एक उन्होंने संज्ञा दी थी किसी को जो कि बहुत ही जिम्मेदार संवैधानिक पद पर है। इसी प्रकरण में डॉक्टर शाहिद जमील जो हमारे वायरोलॉजिस्ट थे, नेशनल कोविड टीम के जो मेंबर थे, उन्होंने रिजाइन किया था बिकॉज वो संतुष्ट नहीं थे सरकार की नीतियों से और जिस तरह के इविडेंस फैक्ट्स और डेटा, साइंटिफिक बेस्ड डेटा जो वो दे रहे थे या जिस तरीके से तैयारियां चाहिए थी, सरकार उसकी पॉलिसी मेकिंग पे फोकस नहीं थी, जिसमें कि बाकायदा उनका मेरे पास स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है वो भी मैं आपको चाहिए तो मैं पढ़ के सुना सकता हूं। मतलब लाइक उनका एक स्टेटमेंट मैं पढ़ना चाहूंगा अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें। आई एम वरीड दैट साइंस वॉज नॉट टेकन इन टू अकाउंट टू ड्राइव पॉलिसी, ही हैड होल्ड रिटर्स, बट आई नो वेयर माई ज्यूडिशन स्टॉप्स, एज साइंटिस्ट वी प्रोवाइड द इविडेंस, पॉलिसी मेकिंग इज द जॉब ऑफ गवर्नमेंट। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, देखिए, सरकार के सामने हमेशा कोविड के मुद्दे पे कहता हूं कि कोविड के मुद्दे पे आप पहली लहर में फेल हुए, कोई बात नहीं, किसी की सरकार होती पहली लहर के लिए, कोई सरकार होती, किसी पार्टी की सरकार होती, कोई राजनीतिक दल होता, उसके सामने जो चुनौती आकस्मिक आई उसका लाजमी था कि इस तरह की अव्यवस्था दुर्व्यवस्था फैली और उसको मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन दूसरी लहर में जब आपके एक्सपर्ट्स, आपके लोग, आपके डॉक्टर्स और सबसे बड़ी बात स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोग आपको सचेत कर रहे थे, आपको सुझाव दे रहे थे, तो मुझे लगता है कि बड़ी जिम्मेदारी से अपनी राजनीतिकरण मानसिकता को छोड़ते हुए टेक्निकल साइंटिफिक मानसिकता पे आकर के डॉक्टरों के सुझाव को सुनना चाहिए था, ना कि ISR जो इनके जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, Team 9 के जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं, उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। मैं अभी भी रिक्वेस्ट करता हूं मौजूदा गवर्नमेंट से कि इस मुद्दे पे आप बहुत ज्यादा देखिए, क्योंकि मैं नहीं जाना चाहता दूसरे विषय पे, मैंने कहा राजनीतिकरण में, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है भाजपा के जो प्रवक्ता बैठते हैं, जैसे अब मैं संबित पात्रा जी का एक डिबेट देख रहा था, उन्होंने इसको फिर हिंदू मुस्लिम कर दिया, उन्होंने जोड़ दिया कि आपने बकरीद में छुट्टी खुला छोड़ दिया, इस वजह से इस तरह से वहां पे मामले आ गए। तो आपको याद होना चाहिए तबलीगी जमात में आपको किस तरह से फटकार लगी थी। मुझे लगता है कि कोरोना एक समस्या है जो कि महामारी से जुड़ी हुई है, इसको आप जातियों में मत ढूंढिए, पहली बात। दूसरी बात, आप जब भी कोरोना से लड़ने के लिए चलते हैं तो मुझे लगता है कि इस कोरोना से लड़ाई की मुख्य जिम्मेदारी के जो नेतृत्व करता है वो केवल और केवल हमारे वैज्ञानिक और डॉक्टरों के हाथ में उसकी कमान होनी चाहिए, न कि ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में होनी चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में होने का कारण भी आपने देख लिया, किस तरह से आम जनता का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा, जो कि इन्हीं के विधायक ने उजागर किया था सबसे पहले। तो मैं तो सुझाव दे रहा हूं कि आप राजनीतिकरण को छोड़िए, आइए हाथ मिलाएं, हम वॉलंटियर बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोविड के तीसरे लहर की अगस्त में जो चेतावनी दी गई थी उसने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। और मैं आपको बता रहा हूं तीसरा वेरिएंट जितना, देखिए मैं साइंस के बारे में बहुत नहीं जानता, लेकिन जो मैं मूल बात जानता हूं कि ये तीसरी वेव जो एडवांस वेरिएंट आया हुआ है, ये शायद बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला है। तो मुझे लगता है कि इस बार कोविड से लड़ने का सारा नेतृत्व और सारी कमान हमारे देश के विशेषज्ञों, जो खास करके स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए हैं, चिकित्सा क्षेत्रों से जुड़े हैं, उनसे सुझाव लीजिए, उनको करने दीजिए सारा मैनेजमेंट। आपका मैनेजमेंट देखिए मुझे नहीं लगता कि ऑन द मार्क है, और जो मौजूदा परिस्थिति है अगर ये वेरिएंट फैलता है तो हम सिर्फ राजनीति करते रह जाएंगे और हमारे देश के नागरिक इसकी भेंट चढ़ जाएंगे। और आप तो जिम्मेदारी से कहते हैं कि भाई ऑक्सीजन से भी कोई नहीं मिला, आप तो नकार देते हैं सीधे सीधे डेटाज को,
तो डेटा पे तो हम बात ही सेकंड उसमें कर लेंगे। अश्वनी शाही जी पर मैं जाना चाहूंगी। अश्वनी शाही जी, आपका क्या कहना है, जिस तरह से केरल में एकाएक केसेस में वृद्धि हुई है, 22,000 से अधिक केस 24 घंटे में सामने आए हैं, तो इसको लेकर आपको क्या कहना है? क्या जरूरत नहीं बन रही अभी सतर्क होने की, क्योंकि जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि नहीं कोरोना कंट्रोल में है, जब केरल में जब इतनी व्यवस्था होने के बावजूद वहां पर केसेस में एकाएक वृद्धि हो सकती है, तो उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ जाती है इसको लेकर? अभी हमारे सपा के भाई जो है संवेदना रखते हुए लेकिन भाषण बहुत बढ़िया दिया इन्होंने, और पहले बात बात में ये कहते रहे कि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। मैं भी कहता हूँ इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। ये देश में महामारी आई हुई है और इस महामारी का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन अपनी ही बातों में दोहरी मानसिकता रखते हुए हमारे सपा के प्रवक्ता ने किस तरीके से राजनीतिकरण का एक उसमें पुट डाल दिया कि जैसे मतलब बिना, देखिए हम लोग राजनीतिज्ञ हैं विवेक जी, बिना राजनीति के कोई बात ना आप कर सकते हो ना मैं कर सकता हूं। आपने कहा ये देश में इन्होंने हिंदू मुस्लिम कर दिया, हमने कहा हिंदू मुस्लिम किया? आप लोगों ने बैठकर, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कुंभ में कोरोना फैल गया। आज 3-4 दिन की विजयन ने वहां के जो मुख्यमंत्री है, पढ़े लिखे, केरल में सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, क्या जरूरत थी बकरीद में छुट्टी करने की, जाकर आप बाजार में खरीदिए? मैं ये थोड़े ही कह रहा हूँ कि सिर्फ मुसलमानों के लिए छूट किया गया था, वहाँ हिंदू भी गए होंगे। तो ये आप संबित पात्रा जी को समझाइए ना, मैं तो निवेदन कर रहा हूँ। आप सुनने की कोशिश कीजिए। तो वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम की बात एकदम नहीं किया उन्होंने। उन्होंने कहा कि बकरीद के मौके पर वहाँ के मुख्यमंत्री ने बाजारों को खोल दिया, जनता को छोड़ दिया कि आप जाइए खरीदारी करिए। तो उसमें हिंदू भी गए, मुस्लिम भी गए, सिख भी गए, ईसाई भी गए। आपको कैसे कौन सा वो उनका जो है बयान आया कि हिंदू मुस्लिम कर दिया उन्होंने? ये भ्रम फैलाने का काम करना छोड़ दीजिए आप लोग। दूसरा, मैं पॉइंट पर आता हूं, क्या जरूरत थी कुंभ में? देखिए कुंभ में मैं भी मानता हूं कि कुंभ में जो है कुछ जरूर फैला होगा, वहां से निकल के आया, बाद में ये हुआ कि बहुत ज्यादा नहीं फैला था, थोड़ा बहुत कुछ फैला था। अपने आप सुओ मोटो लेकर माननीय जज ने कांवड़ यात्रा रद्द कर दी। अगर कांवड़ यात्रा रद्द हो सकती है, हिंदुओं का इतना बड़ा त्यौहार रद्द किया जा सकता है, तो माननीय जज से मैं अपील भी करना चाहूंगा कि देश जैसे आप लोग भी जज जाते हैं सुओ मोटो ले, और उनको भी विजयन साहब को भी एक सबक सिखाएं क्यों उन्होंने ऐसा किया था। यानी कि अश्वनी शाही जी, ठीक है आपको मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन अश्वनी शाही जी आपने तो साफ तौर पर ये कह दिया कि वहां पर केरल में बकरीद के मौके पर छूट दी तो केसेस बढ़ गए, लेकिन अगर यहाँ पर आपने कहा कि अगर कुंभ मेला हुआ था तो उसमें केसेस में कुछ इजाफा हुआ होगा, यानी कि ये जो एक तौर पर आपने कहीं ना कहीं ये विस्तार में इसको बताया है कि नहीं जी? मैं कह तो रहा हूँ, देखिए कीर्ति जी, मैंने कहा है कि कुंभ में भीड़ हुई है, उसके बाद जांच हुई है, लोग बीमार पाए गए हैं, मैं कह तो रहा हूँ। नहीं तो ये आरोप कि केरल में बकरीद के मौके पर अगर खोल दिया तो वहां पर इस वजह से केसेस बढ़े हैं, और यहाँ पर कुंभ हुआ इतना बड़ा लेकिन कुछ ही केसेस बढ़े हैं, ये किस तरह का तर्क था? ये आपके सामने आया कहीं आया कि 9,000-10,000 चल रहा है, 22,000 हो गया, ऐसा कुछ आया कोई संख्या कुंभ की? यहीं पर हम लोग हैं। आज उत्तर प्रदेश 23 करोड़ का देश है, आप देखिए सैकड़े में संख्या नहीं है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस तरीके से कर्मयोगी बनकर हर जिले में जाकर घूमकर हर व्यवस्था किया है, हर आपदा से प्रभावित लोगों से बात किया है, अस्पतालों में घूमे हैं, कोई गया है? सपा के लोग यहाँ आके भाषण देते हैं, कहाँ थे अखिलेश जी? ये तो करोड़ कह रहे थे भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, पता नहीं अभी भी लगवाए कि नहीं लगवाए, भ्रम फैलाने का काम करते हैं देश में। बलिया के सुरेंद्र सिंह किसके विधायक है? वो आपके विधायक भी यही बात कह रहे हैं। अरे भाई वो तो आप अपने अध्यक्ष से पूछिए ना, कौन सी दवाइयां बना रही है? बलिया के विधायक, बलिया के विधायक का हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, आप अपने अध्यक्ष से पूछिए। तो आप पहले अपने विधायक को, अखिलेश यादव से पूछिए ना, हम पे आरोप लगा रहे हैं, अपने विधायक को तो रोक नहीं पा रहे हैं आप, वो तो खुद ही अरे भाई अखिलेश यादव जी से पूछिए, उन्होंने लगवाया कि नहीं वैक्सीन? नहीं, आप पहले सुरेंद्र सिंह को समझाइए ना, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है ना कि वो भ्रम न फैलाएं अपनी सरकार के खिलाफ।
वो भ्रम कहीं नहीं फैला रहे हैं। उनका वक्तव्य आपने सुना है? उनका वक्तव्य आपने सुना है? उनकी वैक्सीन की फोटो आ गई बाजार में। उनका वक्तव्य आपने सुना है? उनका वक्तव्य आपने सुना है? प्रेस रिपोर्टर्स के सामने ही उन्होंने कहा। मैंने अखिलेश का भी वक्तव्य सुना है प्रभु, मैंने अखिलेश का भी वक्तव्य सुना है कि भाजपा की वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। सुना हुआ वक्तव्य, दवाई कंपनी पर दवाई पुलिस पर मैं भरोसा नहीं करूंगा। सुरेंद्र सिंह का वक्तव्य है, सरकार पर भरोसा न करें, कौन सी दवाइयां बना रही है, पुलिस पर भी भरोसा नहीं करूंगा। सुरेंद्र सिंह का वक्तव्य है, वो तो आप ही के विधायक है ना भाई। अरे भाई आपके देखिए बीच में अगर आप बोलेंगे तो मैं भी अगला टर्म में गलत आरोप लगाएंगे। आप आइए बोलिए ना, गलत आरोप आप गलत आरोप लगाएंगे तो ये गलत है, ये काट दीजिए। आपने इतनी देर में कोविड से जुड़ी कोई बात नहीं की, आपको केवल सपा सपा सपा, कोविड से जुड़ी कोई बात नहीं। कहिए भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे। आप अपने विधायक को सुधारिए, जाकर के पहले जन जागरूकता करें, उनको देख करके टीम को देख के भाग रहे हैं। अरे 10-5% वोट आपको भी मिलता है। विवेक जी और अश्विनी शाही जी प्लीज, ठीक है इस पर इस तरह की बहस मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगी। ठीक है अगर आप आपको कोई बात कहनी है आप कहिए, लेकिन एक एक करके अश्विनी शाही जी सीधे तौर पर ये चीज कह रहा है। देखिए कीर्ति जी, आपने मेरा समय दिया तो ये सपा के प्रवक्ता मेरे बीच में कैसे कूद गए, आप उनको उनसे बात कीजिए। बिल्कुल मैं दोनों को कह रही हूँ अश्विनी शाही जी, बिल्कुल ठीक है विवेक जी मैं आप पर आऊंगी। लेकिन अश्विनी शाही जी एक बार बताइए ना, जब फर्स्ट वेव आई अश्विनी शाही जी, जब फर्स्ट वेव आई तब भी केरल में केसेस बढ़े, तब भी बकरीद में क्या छूट दे दी गई थी? जब सेकेंड केस वेव आई तब भी केरल में सबसे पहले केसेस बढ़े, तब भी बकरीद थी, तो ये किस तरह का तर्क था कि बकरीद में छूट दे दी इस वजह से केसेस बढ़े हैं? कीर्ति जी जी आप थोड़ा सा आप भी सुन लीजिएगा और हम सपा के मित्र को कहेंगे बीच में ना बोले। मैंने कहा 23 करोड़ का प्रदेश है उत्तर प्रदेश, आज हमने टेस्टिंग ट्रीटमेंट और ट्रैकिंग किया, ट्रिपल टी का फार्मूला हमने अपनाया, पढ़ाई लिखा प्रदेश है, वामपंथी प्रदेश है, राहुल गांधी का प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में तो भाग गए हैं वो जाकर वहां क्यों नहीं करते? आज वो सदन और संसद की बात करते हैं, पेगासस राज्य को नहीं कह सकते हैं, वहां पे हर लोग हो गए। ठीक है ठीक है जी अश्विनी शाही जी कंप्लीट कर गया, मतलब बोलने की सपा वालों को बीमारी है क्या? मैं कह रहा हूँ क्यों दर्द हो जाता है, उबाल मारने लगता है, पेट में दर्द हो जाता है, ले रखी है ना, क्या करें? आपके प्रवक्ताओं को देख देख करके प्रेरणा ले, नहीं प्रवक्ताओं को देख के तो आप अपनी मर्यादा में रहिए भाई, आपका नाम बोला जाएगा को मर्यादा सिखाते तो पहले जो डिबेट कर रहे थे टिप्पणी आप यहाँ कर रहे हैं, तो ये मर्यादा 3 दिन पहले प्रेम शुक्ला को सिखाते पहले किस तरह की डिबेट कर रहे थे, यहाँ सवाल मैं कह रहा हूँ कि 23 करोड़ की जनता में आज हम सैकड़े पर में नहीं है, कि ये व्यवस्था इसको कहते हैं, जहाँ की व्यवस्थाएं लचर होंगी वहाँ ये जरूर होगा दिक्कत। महाराष्ट्र में व्यवस्थाएं लचर थी वहाँ व्यवस्थाओं में दिक्कत हुई, वहाँ सबसे मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा हुई। अच्छा यानी कि आप कह रहे हैं बेहतर व्यवस्था की जी, आप यानी कह रहे हैं कि केरल में मध्य प्रदेश में व्यवस्थाएं सही नहीं थी, उन राज्यों की सरकारों ने व्यवस्था, अच्छा केरल में व्यवस्थाएं सही थी, केरल में व्यवस्थाएं थी सही थी लेकिन बकरीद पे छूट दे दी इसलिए शायद तक कोविड केस बढ़े, और महाराष्ट्र में कम हो रहा था तो छुट्टी देने की कोई जरूरत ही नहीं थी, छूट देने की जरूरत ही नहीं। वही मैं चीज अश्विनी शाही जी मैं समझ रही हूँ, बिल्कुल मैं आपकी बात समझ रही हूँ कि केरल में संडे हम लोग लॉकडाउन में है कि नहीं है, बिल्कुल आर्थिक लॉकडाउन है कि नहीं है जी, बिल्कुल बिल्कुल मैं यही चीज अश्विनी शाही जी समझ रही हूँ कि केरल में बकरीद पे छुट्टी थी इसलिए केसेस बढ़े हैं, मध्य प्रदेश में सरकारों की गलती है क्योंकि वहां पे वो मैनेजमेंट सही से नहीं कर पाई इसलिए बढ़े, लेकिन उत्तर प्रदेश में T3 फॉर्मूला अच्छे से काम कर रहा है, मैनेजमेंट अच्छे से हो रहा है, हर चीज अच्छे से, थर्ड वेव के लिए उत्तर प्रदेश के वासी चिंता बिल्कुल ना करें, आपका कहना यही है? मैं कह रहा हूँ कि उनको योग्य नेतृत्व है, योगी जी कर्मयोगी की तरह जो है दिन भर जनता के बीच में रहते हैं, हम आज स्वास्थ्य सेवा में सबसे ज्यादा ट्रीट हमने जो है सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन दिया, सबसे ज्यादा जांच कराई, आप पर आऊंगी मैं आप पर आऊंगी, तब तक आप जरा यतीम बच्चों का आंकड़ा बता के रखिएगा कि कितने बच्चे इस समय यतीम हुए हैं इस कोरोना काल में 2020 लेके, ठीक है मैं आ रही हूँ इस पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट नहीं, लेकिन मैं आज आज सपा के प्रवक्ता को मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलने नहीं दूंगा, आप मुझे कह दीजिए मैं बाइज्जत आपके बहस से निकल जाऊंगा, अच्छा है क्योंकि मैंने एक शब्द नहीं बोला, डॉक्टर साहब ने बोला बहुत अच्छी बात कहा उन्होंने, मैं आप पर आ रही हूँ, ठीक है मैं आप पर आती हूँ।
डॉक्टर राजेश, जिस तरह से अश्वनी शाही जी को भी आपने सुना होगा और विवेक जी को भी आपने सुना कि जिस तरह के तर्क वितर्क दिए गए हैं, और अश्वनी शाही जी का साफ तौर पर कहना है कि वहां पर बकरीद की छुट्टी दी थी इसलिए केसेस बढ़े, महाराष्ट्र में सरकारें काम नहीं कर रही हैं महाराष्ट्र की इसलिए केसेस बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में T3 फॉर्मूला जो है वो एकदम कारगर साबित हो रहा है, डरने की उत्तर प्रदेश वासियों को जरूरत नहीं है, क्या कहना है इस पर आपका? राजनीतिक तौर पे कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, जो एज ए डॉक्टर एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भारत का एक जिम्मेदार प्रबुद्ध डॉक्टर नागरिक होने के नाते जो मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत का हेल्थ केयर सिस्टम कैसा होना चाहिए, या क्या अगर हम तीसरी वेव से अभी बच पाए और एक साल बाद आई तो क्या हमारा हेल्थ सिस्टम इस तरह से तैयार रह पाएगा कि हम उसको रिस्पॉन्स दे पाए। अश्विनी जी के बाद से मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ कि हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी, उन्होंने बहुत मेहनत से बहुत सही तरीके से काम किया, लेकिन समस्या सिर्फ एक अकेले व्यक्ति की नहीं होती है कीर्ति जी। बिल्कुल। अगर हम अपने बजट को देखें तो जो हमारा हेल्थ का बजट है ये पूरे GDP का 1.2 से 2% कर दिया गया है। हम अपने GDP का बहुत कम हिस्सा, अपने GDP का 2% से भी कम हिस्सा हम हेल्थ में देते हैं, और अगर हम डिफेंस की बात करते हैं तो डिफेंस में हम बहुत ज्यादा दे रहे हैं, 22-30% के आसपास। तो कीर्ति जी, हमारा देश की जो जनसंख्या है लगभग 130 करोड़ है, एक वैक्सीनेशन वाली ड्राइव बहुत अच्छी चल रही है, उसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष को सभी को मिलकर इस बात पे सोचना होगा कि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है जो बहुत पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर इसका खराब हो चुका है, हम उसको कैसे ऐसा कर पाए कि हर 1 लाख व्यक्ति पे कम से कम 30 ऑक्सीजन बेड होने चाहिए और कम से कम एक ऐसा सेंटर होना चाहिए जहां उसको बेसिक मेडिकल केयर मिल सके। कीर्ति जी, जो डेल्टा वेरिएंट हमारे देश से आके जा चुका है, वही डेल्टा वेरिएंट अभी अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में, वियतनाम में, थाईलैंड में, इवन हमारे जो पड़ोसी बांग्लादेश है इसमें भी फैल रहा है। लेकिन अगर हम मृत्यु दर देखें तो जो अविकसित देश है जैसे कि मलेशिया, इंडोनेशिया या जो हमारा साउथ ईस्ट एशियन रीजन है जिसमें हमारा भारत भी शामिल है, इसमें डेल्टा वायरस से मृत्यु दर काफी ज्यादा हुई है अगर हम उसको हम कंपेयर करें इंग्लैंड से और अमेरिका से। तो ऐसे जो मरीज थे जिनको हम बेसिक हेल्थ केयर दे के बचा सकते थे, जिनको हम ऑक्सीजन सपोर्ट दे के बचा सकते थे, हम उनको भी नहीं बचा पाए। अश्विनी जी ने एक बात सही कही कि कोरोना महामारी अगर भारत के अलावा किसी और देश में इसी तरह से तेजी से फैली हुई होती तो परिणाम यही होता। मैं बिल्कुल ठीक मानता हूं सर, परिणाम यही होता, लेकिन हमें इस परिणाम से सीखने की आवश्यकता है। और अगर मैं बात करूं केरला से और उत्तर प्रदेश की, तो केरला में ऑक्सीजन प्लांट सेकेंड वेव आने के पहले लग चुके थे, हमारे यहाँ अभी लग रहे हैं। सर, चीजें अच्छी हो रही हैं लेकिन उन्हें भी और इम्प्रूव किया जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि हमें राजनीतिक तूतू में न फंसते हुए जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है उसे और तेजी से लाना चाहिए। हमारा टारगेट होना चाहिए कि 23 करोड़ का जो उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन है, अगर उत्तर प्रदेश को आप आजाद कर दें तो विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश होगा। तो इस हिसाब से पर 1 लाख पॉपुलेशन पे आपके पास एक हेल्थ सेंटर होना चाहिए या ऐसा सेंटर होना चाहिए जहाँ पे आप बेसिक मेडिकल हेल्थ केयर दे सकें। बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल, व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की अभी भी जरूरत है, ये मानना अभी भी हमारे लिए जरूरत है, क्योंकि डॉक्टर राजेश, लगातार ये चिंता भी है कि पेडियाट्रिक कम्युनिटी को बहुत ज्यादा हिट करने वाली है थर्ड वेव, उसको लेकर वैक्सीन ड्राइव की भी बात की जा रही है कि अगले महीने से बच्चों के लिए वैक्सीन ड्राइव शुरू कर दी जाएगी, तो क्या आपको लगता है उस स्थिति में है कि बच्चों के लिए वैक्सीन की आपूर्ति हो जाएगी और जो वैक्सीन की नेक्स्ट मंथ से जो बोली जा रही है कि वैक्सीन दी जाएगी बच्चों को, वो कितनी कारगर साबित होगी थर्ड वेव के लिए? कीर्ति जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, ये हमारे लिए एक बहुत सुखद बात है कि भारत में 2 वैक्सीन्स ऐसी हैं जिनका पीडियाट्रिक ट्रायल चल रहा है और आने वाले समय में हो सकता है अगले महीने तक जो कोवैक्सीन है उसका और जो एक दूसरी वैक्सीन आई है ज़ाइडस कैडिला की उसको अप्रूवल मिल जाए। तो अगर ये वैक्सीन आ जाते हैं तो हम लोग 12 साल से ऊपर के बच्चों में वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। कीर्ति जी, जो बार बार और भी लोग कहते हैं और बाकी कई जगहों पे भी आपने सुना होगा कि तीसरी वेव बच्चों के लिए खतरनाक होगी, तो मैं फिर से आपके माध्यम से आपके और दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, बच्चों में जो लिम्फोइड टिश्यू होता है जिसको हम लोग टॉन्सिल्स बोलते हैं या जो लिम्फोइड टिश्यू होता है या थाइमस ग्लैंड होती है, वो
रहती है वो खत्म नहीं हुई होती है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वो कम होती है। तो बच्चों में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है बड़ों से काफी ज्यादा अच्छा होता है। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि नहीं बच्चों में खतरनाक होगा बहुत ज्यादा है, बच्चों के लिए खतरनाक होगी तीसरी वेव, ये सही नहीं है। एक और बहुत चौंकाने वाली बात है कीर्ति जी, केरल की बात आई तो मैं बता दूं, जो भारत का पेशेंट जीरो था या जो पहला मरीज था जो केरल में डिटेक्ट हुआ था, जो वुहान चाइना से आया था भारत में, उस मरीज को अभी पिछले महीने दोबारा से कोरोना पॉजिटिव आया था, मतलब उसको दोबारा से कोरोना हुआ था। तो ये कह पाना कि एक व्यक्ति को इस बार कोरोना हुआ या वैक्सीन मिल गई है तो उसको कितने दिन बाद दोबारा नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा सियोरिटी से हम लोग नहीं कह सकते। तो किसी भी प्रकार से जो इम्यूनिटी आपको मिलती है, चाहे आपको कोरोना से इन्फेक्ट होके मिले या वैक्सीनेशन से मिले, वो 3 से 6 महीने से ज्यादा नहीं टिकती है। इसी वजह से आपने सुना होगा कि प्रोफेसर रणदीप गुलेरिया एम्स के डायरेक्टर साहब वो भी कह रहे थे कि हमें थर्ड जो बूस्टर डोज है वो लगवाने की तरफ जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कीर्ति जी, हमें ये जो वैक्सीन का बूस्टर डोज और वैक्सीन वाली रेल है इससे एक स्टेप आगे निकलते हुए हमें अपना हेल्थ सिस्टम ऐसा डेवलप करना चाहिए, पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलके, आप साथ हम सारे भारतवासियों को मिलके ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए कि चाहे कोरोना आए या इसके जैसे 10-12 और जीवाणु जिनपे चाइना की उस लैब में रिसर्च चल रहा था जहां से लीक हुआ है, एक बायोलॉजिकल वीपन है जो लीक हुआ है, ये जैविक हथियार लीक हो गया है, ऐसे और भी आ सकते हैं। तो क्या ऐसा हमारा हेल्थ सिस्टम है कि अगर भविष्य में 4-5 साल बाद ऐसा कुछ आता है तो क्या हम उससे लड़ पाएंगे या यूं ही गंगा में लाशें बहती हुई देखने के लिए विवश रहेंगे? बिल्कुल, लेकिन बातें तो यही बोली गई ना डॉक्टर राजेश की, किसी की भी मृत्यु ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई है, वो तो जो मौतें हुई हैं वो सिर्फ बोली जा रही है लेकिन मृत्यु किसी की भी ऑक्सीजन की वजह से नहीं हुई है, तर्क तो यही दिया जाता है। हालांकि राजनीतिक मोड़ देना मेरा बिल्कुल इच्छा नहीं होती है इन सब चीजों को लेकर जब ऐसे, लेकिन बयान आते हैं तो सवाल पूछना अहम हो जाता है। नहीं कीर्ति जी, मन को वास्तविक रूप से बहुत आघात पहुंचता है, खासकर मेरे जैसा व्यक्ति जिसने बहुत करीब से इन मौतों को देखा है। मैं जा के घर पे लोगों का इलाज करता था और मेरे कई मरीज ऑक्सीजन की कमी से मेरे इसका मैं स्वयं सबूत हूँ। लेकिन मैं भविष्य की तरफ देखना चाहता हूँ, मैं भारत की उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि हमें अपना जो फोकस है जिसमें हम चुनाव आज तक लड़ते हैं धर्म जाति के नाम पे, इससे आगे बढ़ के स्वास्थ्य के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, रोजगार के अवसर के नाम पे जाना चाहिए और किसी भी तरह से हमें पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए कि हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का, डॉक्टर राजेश, ये जरूरी हो जाता है कि ये जो जरूरतें हैं हमारी मूलभूत उसके ओर अग्रसर हो और उसकी ओर ध्यान दिया जाए। अश्वनी शाही जी, क्या कहना है आपका, जिस तरह से आपने बातें सुनी कि अभी भी जरूरत है हमें और सुधार लाने की थर्ड वेव को लेकर, और ऑक्सीजन से मौतें कितनी हुई है ये भी आपको डॉक्टर राजेश ने बताई दिया और आपने सुन भी लिया होगा। मैंने सुन लिया है, डॉक्टर साहब ने बहुत संवेदनशील बात कही है और डॉक्टर साहब की बातों में सच्चाई है, ऐसा नहीं है, जो हुआ है वो सामने सबने देखा है। लेकिन जहां रही जो आंकड़े दिए गए, वो आंकड़े मांगे कहां से गए थे? भारत में, सिर्फ पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, उसमें कई दलों की भी सरकार है, वहां पर हुआ क्या वो डॉक्टर साहब ज्यादा बेहतर तरीके से जानेंगे। हाइपोमक्सिया क्या कहते हैं, मैं उसका टेक्निकल वर्ड मैं नहीं जानता हूं, कि मौत की वजह क्या थी। तो मौत की वजह उसमें पूछी गई थी कि आप मौत की वजह क्या थी, लोगों ने लिख कर दिया कहीं किडनी फेल्योर, कहीं लीवर फेल्योर, कहीं हार्ट अटैक, ये चीजें आई थी तो बताया गया, सभी राज्यों ने दिया था। अब फिर दोबारा मांगा गया है कि आपके राज्यों में ऑक्सीजन से कितने लोगों की मौत हुई है, अभी आंकड़े आ जाएंगे, वो भी सरकार सबके सामने। यानी कि आप ये कह रहे हैं अश्वनी शाही जी कि जो स्वास्थ्य मंत्री ने ये जो बयान दिया है कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की मृत्यु नहीं हुई, ये भी राजनीतिक दलों पर दिया है। हाँ, राजनीतिक दलों ने ये आंकड़े पेश किया आधार पर दिया है। ठीक है विवेक जी, आपको क्या कहना है अश्वनी शाही जी? ठीक है अश्वनी शाही जी, मैं आ रही हूँ। स्वास्थ्य जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट होता है, बिल्कुल बिल्कुल, और स्टेट से जब आंकड़े मांगे जाएंगे तो सेंट्रल में वो क्यूमुलेटिव आंकड़े जो है पहुंचते हैं, क्या रहा कैसे रहा, तो वहां मौत के आंकड़े में जहां से भी आया, चाहे वो उत्तर प्रदेश से गया हो, दिल्ली से गया हो, महाराष्ट्र से गया हो, मध्य प्रदेश से गया हो, उसमें लोगों ने किसी का किडनी फेल्योर, किसी का हार्ट अटैक, उत्तर प्रदेश से भी यही आंकड़े गए थे अश्विनी शाही जी? गए होंगे, मैं आंकड़े बना के किडनी फेल्योर से हुई है मृत्यु या फिर ब्लैक फंगस से हुई है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। विवेक जी, आपको क्या कहना है कि जो ये तर्क दिया है अश्वनी शाही जी ने, वो थोड़ा मेरे गले के नीचे नहीं उतर रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो आंकड़े दिए गए वो ये थे लेकिन ऑक्सीजन की कमी कहीं नहीं दर्शाई गई। चुनाव में जो ड्यूटी लगी, 3 मौतों को पहले इन्होंने स्वीकारा,
शिक्षक संघ ने दबाव बनाया, विपक्ष ने दबाव बनाया, 1621 मृत शिक्षकों की बाकायदा सूची शिक्षक संघ ने जारी की। ठीक, तो आंकड़ों की हेराफेरी पे भी आ जाते हैं। भी मैं कह रहा हूँ अमेंडमेंट है उसमें, तीन हमने इसलिए स्वीकारा, चुनाव आयोग का जो नियम होता है कि चुनाव के दौरान, नियम भी बता रहा हूँ, जो ड्यूटी के दौरान जिसकी मौत होती है वो काउंट होता है, जो आने के बाद जो ड्यूटी पे मरे उनको काउंट किया था, लेकिन चुनाव में ड्यूटी लगी, पहले से बीमार थे, दोबारा संक्रमित हुए, उनको काउंट नहीं किया, फिर बाद में स्वीकार क्यों कर लिया? और जो बाद में क्यों स्वीकार किया? दूसरी बात कीर्ति जी, ये बताइए, जो ये बताना चाह रहे हैं कि राज्य देता है केंद्र को आंकड़े, तो कोविड काल में जितने आंकड़े हर रोज जारी किए जाते थे स्वस्थ लोगों के और मृत लोगों के, संक्रमित लोगों के, वो आंकड़े कौन दे रहा था? वो आंकड़े कहां से आ रहे थे? और मैं तो कह रहा हूं क्यूमुलेटिव आंकड़े अगर आपको निकालने हैं, डॉक्टर सर बैठे हुए हैं, वो ज्यादा इस पे और अच्छे से गाइड कर देंगे। दिक्कत यह है कि आंकड़े देने वाले प्रशासनिक अधिकारी हैं। मैं फिर ये बात दोहरा रहा हूं कि मौजूदा लहर अगर आती है तीसरी, ईश्वर न करे, सारा नेतृत्व तो केवल डॉक्टरों के हाथ में होना चाहिए। समस्या लेकिन यह है कि अगर डॉक्टरों के पास नेतृत्व तो चला जाएगा तो प्रशासनिक अधिकारी जो भ्रष्टाचार करने बैठे हैं वो कैसे भ्रष्टाचार कर पाएंगे? अब बात फिर वही घूम के आ जाएगी। मैंने कहा था पहले भी, मैं पहले भी सुझाव दे चुका हूं कि आप इतना बड़ा, आपके सामने JPNIC की बिल्डिंग शहर के बीचों बीच खड़ी है, धूल फांक रही है कीर्ति, वो क्या आप उसको स्पेशल कोविड सेंटर बना करके इस प्रदेश की जनता के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते? हेलीपैड तक बना हुआ है, आवश्यक सेवाओं में तो हेलीपैड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो किसी विशेष राजनीतिक दल से तो नहीं जुड़ा है ना? नहीं हो जाएगी तब तक उसकी कुछ नहीं करेंगे, हमारे पास अस्पतालों की कमी नहीं है। और हमने वो देखे एक बात बता दूं, अस्पतालों की कमी, बेड की कमी नहीं होती उत्तर प्रदेश की, स्वास्थ्य सेवाएं राम राज्य राम के भरोसे, ये हाईकोर्ट के स्टेटमेंट, उसके बाद जिस तरीके से कोर्ट के अंदर बाकायदा आपके ऑनलाइन पोर्टल के बेडों की पोल खुली, कोर्ट ने फोन लगा लिया सीधे अस्पताल को और पता चला कि वो बेड उपलब्ध नहीं जो पोर्टल पे। अश्वनी शाही जी, यानी कि हम ये मान ले कि स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी भी आंखें मूंद ली थी जो उनके सामने मौतें हो रही थी और किस वजह से हो रही थी, ये तो आजकल बच्चा बच्चा बता देगा कि किस वजह से कोरोना काल में लोगों की मौत हुई है, और आप कह रहे आंकड़े गलत पेश किए गए। चलिए हम आपकी ये भी मान लेते हैं, आज आपने ये तर्क दिया, ठीक है अश्वनी शाह जी, मैं आप ही से जवाब लेने आ रही हूं, आप ही से जवाब ले रही हूं, आप पूरा कंप्लीट करिएगा, लेकिन सुन लीजिए पहले, आज मैं आपके इस तर्क को भी मान ले रही हूं, लेकिन ये बताइए इस कोरोना काल में कितने बच्चे यतीम हुए हैं, इसकी रिपोर्ट तो भेजी गई है, कितने बच्चों के आंकड़े भेजे गए हैं कोरोना काल में? कहां से, उत्तर प्रदेश से या भारत सरकार? पूरे भारत भेजे गए हैं 1750 बच्चों के आसपास के भेजे गए हैं, जो उनके माँ और बाप नहीं है, और 7000 आंकड़े बता देती हूँ मैं आपको, अश्वनी शाही जी मैं आपको आंकड़े बता देती हूँ, 645 645 सुप्रीम कोर्ट में आंकड़े दिए गए हैं 645, और आप ही की संस्था, एक मिनट आपको बताना हो, आपने मुझसे पूछा तो मैं जवाब आंकड़े बता, अश्वनी शाही जी सुन लीजिए ना, मैं जवाब देता हूँ, एनसीपीसीआर के मेरे पास आंकड़े रखे हैं, अश्वनी शाही जी मेरी मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट में 200 सुप्रीम कोर्ट में 645 मैं आपको बता रही हूँ ना, जब आप गलत दे रहे तो मुझे सही बताने की जरूरत है। कैसे गलत, कैसे मान लूं कि आप सही दे रही हैं, मैं गलत दे रहा हूँ, ये कैसे मान लूं, इसका इसकी कोई प्रामाणिकता? चलिए आप ही दे दीजिए सही आंकड़े, अच्छा ठीक है आप दे दीजिए, कितने यतीम हुए? मैं कह रहा हूँ 1742 और 7464, जिसमें एक कोई या तो पिता या माता, ये दोनों में एक नहीं है, ठीक है ये आंकड़े हैं। अब इसको आप झूठ माने या सच माने, आपके आंकड़े हो सकता है कुछ और हो। जी आपके आंकड़े क्या बता रहे हैं? देखिए मेरे पास तो जो आंकड़े हैं, मैं न किसी राजनीतिक दल के हैं न किसी संस्था के हैं, तो गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के मेरे पास आंकड़े हैं जो सुप्रीम कोर्ट में 29 मई तक के दिए गए हैं, जिसमें 9346 बच्चे हैं जो कोरोना महामारी के कारण बेसहारा और अनाथ हो गए हैं और फिर अपने माता पिता में से किसी एक को खो दिया। इसमें सबसे ज्यादा 2110 बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं और ये आंकड़े राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के हैं जो सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा हलफनामे के साथ दाखिल किए गए हैं। गलत बोला क्या मैंने? उसको दो पार्ट में कर दिया, 1742 दो पार्ट की भी कैटेगराइजेशन में आप थोड़ा सा आंकड़ों में गलत हो गए, मैं आपको उसको भी जारी उसको भी दुरुस्त कर दूं अगर आप चाहें तो। नहीं हुआ कीर्ति जी का, कीर्ति जी लग रहा है मुझसे हमेशा नाराज रहती है, मुझसे बीच में सवाल करती है, मैं कहता हूँ मेरा पूरा सुन लीजिए। इन्होंने पूछा, मैं बता रहा था कहाँ का, इन्होंने कहा पूरा बताइए, अब उत्तर प्रदेश में आ जाइए, मैं उसको भी आपको अलग करके बताना चाहता हूँ। 318 बच्चे
सुन लीजिए, 318 बच्चे जिनके माता और पिता दोनों नहीं रहे वो है उत्तर प्रदेश में, और 1830 बच्चे हैं जिसमें जो है जिसके दोनों या तो माँ या पिता उनके नहीं रहे। ठीक है अश्वनी शाही जी, जोड़ लीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 645 बच्चे यतीम हुए हैं ये बात के आप लोग की तरफ से रिपोर्ट गई है, तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टीकरण मांगा है, ये तो मालूम होगा आपको। हमारे तरफ से रिपोर्ट गई है, जिसने की ही गई है, सुप्रीम कोर्ट को हमारे तरफ से रिपोर्ट इतनी चली गई, लेटेस्ट जानकारी आप ले लीजिए। ऐश्वर्या भाटी ने स्पष्ट आज तक स्पष्टीकरण भी दिया, ये तो आपको मालूम होगा, ये भी मानेंगे कि नहीं मानेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट ने इन आंकड़ों को लेकर साफ स्पष्टीकरण मांगा है, ये मानेंगे कि नहीं मानेंगे अब आप? ये कितने दिन पहले की बात है, वो तो ये भी तो मानिए आप, कितने दिन पहले की बात है, मतलब आप आंकड़े गलत पेश करेंगे उसके बाद आप ये पूछेंगे कितने दिन पहले की बात है, कब की बात है, तो क्या मैं आपकी हर बात पर भरोसा करूं? डांट सुनने हम लोग नहीं बैठते हैं, बहुत नॉर्मल तरीके से आपकी हर बात पे हामी हामी ला रही हूँ। बुलाया है सम्मानित पैनल की तरह, तो हम अश्वनी शाही जी देखिए, मैं आपको बहुत सम्मानित तौर पर ही, इतनी देर से आपने जो जो तर्क दिए मैंने उस पे सब पे हामी भरी है। नहीं मेरा कोई, अगर ये आंकड़ा 318 और 1830 गलत हो तो आप बता दीजिए। मैं गलत और सही की बात नहीं करी, मैंने आपसे अश्वनी शाही जी जो पूछा, सुप्रीम कोर्ट लगातार आपके आंकड़ों को लेकर आपके फटकार लगाती रही है, चाहे वो ऑक्सीजन से मौतों का हो या फिर अश्वनी शाही जी या तो आप सुन लीजिए, या तो सुप्रीम कोर्ट लगातार आपको इन चीजों को लेकर फटकार लगाती रही है, तो ये आंकड़े हर बार गलत क्यों प्रस्तुत किए जाते हैं, हर बार आंकड़ों में फेरबदल क्यों देखा जाता है, मैं सिर्फ आपसे ये जवाब मांग रही हूँ। कोई आंकड़े में फेरबदल नहीं है, ये आंकड़ा जो मैंने बताया 318 माँ बाप नहीं है, 1830 कोई एक अभिभावक नहीं है माँ या पिता, और सुन लीजिए मैं उन जजों की बात कर रहा हूँ जो लोग हमारे सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं। हाई कोर्ट के जजों ने एक ऑर्डर दिया उत्तर प्रदेश के सभी गांव में 2 एम्बुलेंस होना चाहिए, ये व्यवहारिकता है, ये नहीं है। और उनकी बात देखिए, इसको हमेशा कहना कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन का ऑर्डर पास कर दिया तो मीडिया और विरोधी कहने फटकार लगाई, भाजपा को फटकार लगाई, अरे भाई फटकार उसकी बात होती है कि माननीय जो है सुप्रीम कोर्ट माननीय हाई कोर्ट हमको क्या डायरेक्शन दे रहा है, समाचार चलता है फटकार लगाई, क्यों भाई फटकार लगाएगी, हमने ये आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, स्पष्टीकरण आया, अगर आंकड़े गलत होंगे फिर से हम हलफनामा देंगे, वहां हम देंगे, हम भाग कह रहे हैं उसमें, जब हमने भारत सरकार ने सभी बच्चों को पीएम केयर फंड से पूरे पढ़ाई के खर्चे की। ठीक है अश्वनी शाही जी, यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है, अगर उन्होंने आपसे कोई बात कही है गांव गांव में, अगर उन्होंने बोला है 2 एम्बुलेंस तो ये गलत बात कर दी उन्होंने, इस तरह से क्यों उन्होंने आप लोग को बोल दिया इस तरह के कृत्य करने के लिए, गलत था उनकी तरफ से, मैं ये भी सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ी, अब बताइए मैं क्या, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल मैं इस चीज को लेकर भी मैं गलत ही बोल दूंगी, क्योंकि मैं कुछ बोलूंगी तो आपको या तो लगेगा मैं डांट रही हूँ या आपको लगेगा कि मैं आपके पक्ष में नहीं हूँ, तो सवाल करना लाजमी बनता ही नहीं है। जी विवेक जी, आप कुछ कह रहे थे? देखिए मैं तो इनकी बातें सुन करके थोड़ा सा हैरान ये हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट तक पे सवाल उठा सकते हैं, चलिए ठीक है, वैसे इस क्रम में इन्होंने एक कदम आगे बढ़ा लिया है, सुप्रीम कोर्ट की जो संवैधानिक पीठ है इस देश की सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय की, उसको भी ये चार खंड में डिवाइड करने जा रहे हैं, चार खंड में डिवाइड करके उसके भी चार बेंचेस बनाने जा रहे हैं भारत के चार कॉर्नर में, मतलब एक तरह से भारत के चार सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। सुन लीजिए, आप विधि विशेषज्ञ नहीं है लेकिन मैं प्रैक्टिस करता हूँ, सुन लीजिए, अरे भाई साहब सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, अब सुन लीजिए, आपकी आपकी मंशा मुझे पता है कहाँ है, जो संस्थाएं इनको प्रभावित कर रही हैं उन संस्थाओं के अधिकार और पदों को कम कर दिया जाए। दूसरी बात, 5 मई को ऑक्सीजन के अभाव में हुई मौत को नरसंहार से कम नहीं माना इलाहाबाद हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी है ये, और मैं हमेशा ये बात कहता आया हूं कि आप गलती देखिए, बात यहां पे गलती सरकार की नहीं होती, गलती सरकार तब गलत मानी जाती है कीर्ति जब सरकार आंकड़ों में हेराफेरी करने का प्रयास करती है। अरे ये महामारी का काल था, ये महामारी थी, अगर मैंने पहले ही स्पष्टीकरण दे दिया कि पहली लहर में कुछ हुआ उसमें ठीक है, किसी सरकार के ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी लहर में, मेरी बात को ले जाए, दूसरी लहर में जब आपने संस्थाओं को नजरअंदाज किया, विशेषज्ञों को नजरअंदाज किया, आत्ममुग्धता से प्रेरित होकर के केवल वाहवाही सुनने की जो आपकी एक नीति चली आ रही है, उस चक्कर में आप इस प्रदेश की जनता के साथ केवल अन्याय कर रहे हैं।
और ये जनता जो है, मैं तो कह रहा हूँ आप अगर इतने सत्य हैं चलिए काम करते हैं, सदन के अंदर उन सारे परिवार के लोगों को केवल आप बुला लीजिए जिनके वीडियो सड़क पे ऑक्सीजन की कमी जो बताई जा रही थी वायरल हो रहे थे, आप उनके परिवार के लोगों को बुला करके उनसे बुलवा दीजिए कि हम उस समय मानसिक उत्पीड़न में थे, मानसिक उत्थान में थे, हम झूठ बोल रहे थे। अगर वो परिवार वाले बोलते तो मैं मान जाऊंगा, आप तो नकार के उन परिवारों के दर्द पर चोट पे चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बुला लीजिए, क्या सरकारों का दायित्व नहीं होता एक आदर्श परिवार की स्थापना करना? ये बताइए, क्या सरकारों का दायित्व नहीं आदर्श परिवारों की स्थापना की जाए? जो हुआ था मैं तो पूछ रहा हूँ, क्या सरकारों का दायित्व नहीं एक आदर्श परिवारों की स्थापना की जाए? सरकारें केवल खरीद फरोख्त में लगी रहेंगी। सारी व्यवस्थाएं सही है, सारे आंकड़े अश्विनी शाही जी की तरफ से सही है, लेकिन मुझे तो यही लग रहा है जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें सामने आ रही हैं। डॉक्टर राजेश के पास मैं जाना चाहूंगी क्योंकि बहुत राजनीतिक मोड़ मुझे नहीं देना है। आपने जो अश्विनी जी कहा मैंने सुना और मैंने माना, हालांकि ये जनता डिसाइड करेगी कि जिनकी मौतें ऑक्सीजन की वजह से हुई है, जिनके परिवार में कितने बच्चे यतीम हुए हैं और किस तरह की परिस्थितियां उन्होंने झेली है वो उन्हें खुद मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है डॉक्टर राजेश, आपको क्या लगता है जिस तरह से हम लगातार चर्चाएं कर रहे हैं और लगातार ये बातें हो रही है कि आंकड़ों में हेरफेर सामने आया है, क्या आपको लगता है कि ये जो तर्क दिया है सिर्फ हमें बतौर डॉक्टर कि क्या आप लोग की तरफ से रिपोर्ट ये जाती है कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई या फिर किडनी फेलियर की वजह से मृत्यु हुई, ऑक्सीजन की कमी की वजह से मृत्यु, क्या आपने इस तरह की रिपोर्ट नहीं दी है, आप लोग की तरफ से नहीं जाती है आगे? मृत्यु की जब हम किसी के भी डेथ सर्टिफिकेट बनाते हैं किसी भी दिवंगत व्यक्ति का, तो हम उसमें मृत्यु की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की वजहों को लिखते हैं। जी कीर्ति जी, ऑक्सीजन की कमी होना और ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु होना एक ये बायोकेमिकल डायग्नोसिस होती है, लेकिन व्यक्ति का जो प्रत्यक्ष कारण लिखा जाता है मृत्यु का वो कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट बोला जाता है या कार्डियक अरेस्ट बोला जाता है, कि मतलब उसकी हृदय की गति रुक गई। अब प्रत्यक्ष कारण क्या था कि हृदय की गति क्यों रुकी, ये हो सकता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से रुकी हो सकता है कोरोना की वजह से उसके अंदर जो और भी अक्षमताएं पैदा हों, उसके और अंगों ने कार्य करना बंद कर दिया उसकी वजह से डेथ हुई हो। समस्या क्या है कीर्ति जी की, जिसे हम बोलते हैं डेथ ऑडिट, जैसे एक फाइनेंशियल ऑडिट होता है ना कि आप कोई प्रोग्राम चलाते हो उसके बाद उसका फाइनेंशियल ऑडिट करते हो, ऑडिट कर जैसे कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, वैसे हमारे पास ये जो डेथ ऑडिट सिस्टम है ये बहुत इफिशियंट नहीं जैसा कि विदेशों में होता है, तो इस वजह से भी हमारे यहाँ के जो आंकड़े होते हैं वो बहुत सही तरीके से प्रदर्शित नहीं हो पाते हैं। कीर्ति जी, इस संबंध में मुझे लगता है कि अश्विनी जी भी और विवेक जी भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हमारा जो अभी की जनगणना होने जा रही 2021 की जनगणना, ये जनगणना लगभग 10 साल बाद हो रही है और बहुत सारे हमें जनगणना द्वारा आंकड़े मिल सकते हैं, तो कुछ चीजें हैं जो मैं इनके द्वारा विनती करना चाहूंगा उसको इंक्लूड करना चाहिए। सबसे पहली बात बेड अवेलेबल हो पाए थे, कितनों को ऑक्सीजन अवेलेबल हो पाया था, और कुछ ऐसा था जिनके लोग घर पे ही इलाज के अभाव में मर गए थे या घर पे उन्होंने ट्रीटमेंट करना प्रेफर किया था। दूसरा, हमें जो इसका जातिगत आंकड़ा है ये भी देखना होगा कि अलग अलग जातियों के लोगों की संख्या क्या है, अलग अलग जातियों में जो लोग मरने वाले थे उनकी संख्या क्या है। सुनने में बड़ा ये अजीब लग सकता है कीर्ति जी, लेकिन अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में भी जो देखने में आया वो ये है कि जो मरने वाले थे उनमें अश्वेतों की संख्या, मतलब जो ब्लैक थे उनकी जो मरने की संख्या थी वो ज्यादा थी। उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि जो ब्लैक थे या जो काले लोग थे वो ज्यादातर जिनका जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस था या जिसे बोलते हैं विकसित जो वर्ग था समाज के या अभिजात वर्ग से नहीं आते थे, तो ये जो मृत्यु है और जो बीमारी है और बीमारी की वजह से जो आपको हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलने में जो प्रॉब्लम होती है, इसका एक सामाजिक दृष्टिकोण भी है जो व्यक्ति के व्यवसाय से, उसकी जाति से, उसके समुदाय से कहीं ना कहीं भारत में जरूर जुड़ा हुआ है। तो हमको हेल्थ को एज ए होलिस्टिक कॉन्सेप्ट लेके चलना पड़ेगा। और आखिरी बात कीर्ति जी, जिस वक्त कोरोना फैला हुआ था सारे मंदिर बंद हो गए थे, सारे मस्जिद बंद हो गए थे, सब व्यक्तियों ने भारत का जो जन सामान्य है, जो विज्ञान पे यकीन रखता है, जो इस देश के संविधान पे और इस देश के जो वैज्ञानिक हैं, उनकी जो इंटीग्रिटी है, उनकी जो मंशा है या उनकी जो क्षमता है, उनकी जो ईमानदारी, उस पे भरोसा रखता है, उसने उस भरोसे को मानते हुए लॉकडाउन का पालन किया था, सरकार का साथ दिया था। और मुझे लगता है उसकी उसे सजा नहीं दी जानी चाहिए, उसके लिए सरकार को चाहिए कि जिन लोगों ने 18% जीएसटी झेला, बहुत भारी मात्रा में जीएसटी दे के भी, पैसे दे के भी,
सरकार की झोली भरी, उसका प्रिंसिपल सरकार को देना चाहिए कि जैसा मैं कह रहा हूँ 1 लाख की पॉपुलेशन पे अगर आप क्यूटी के आंकड़े उठा के देखिए तो बांग्लादेश भी हमसे आगे है बेड्स की अवेलेबिलिटी में पर 10,000 के मामले में। ये मैं अश्विनी जी से कह रहा हूँ, वो चाहे तो रिपोर्ट देख सकते हैं। अब हमें चाहिए कि हम अपने सिस्टम को आगे बढ़ाएं, अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे बनाएं कि 1 लाख की पॉपुलेशन पे कम से कम 100 ऑक्सीजन सिलेंडर बेड अवेलेबल हो ताकि दोबारा से अगर कुछ ऐसी विदेशी आए तो हम उससे लड़ सकें। लेकिन डॉक्टर राजेश, आपने ये तो सुना ही होगा कि वो जिस तरह से कह रहे हैं लगातार कि कमियां कहीं है ही नहीं, जैसे अगर हम उनसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, आंकड़े पूछना चाहते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, हम तो उन पर क्वेश्चनिंग करने के, हालांकि मैं क्वेश्चन करने के लिए बैठी हूँ, मैं उनसे क्वेश्चन ही करूंगी। लेकिन ठीक है अश्विनी जी, जैसी आपकी मानसिकता और जैसा आपको लेना इन चीजों को, मैं यहाँ पर किसी को डांटने या कुछ करने नहीं बैठी, कोई सवाल नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल, आंकड़े आपने प्रस्तुत किए, मैंने प्रस्तुत किए, अब आपके क्या साक्ष्य है कि आपके हम सही मान लें? मेरे आप अगर गलत मान लें तो मैं आपके सही कैसे मान लूं? ये मेरी बात, मैंने ये कहा और हुआ वही। डॉक्टर साहब ने आज कहा, अभी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे यहाँ ये बेड होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछ रहा हूँ, डॉक्टर साहब क्या हमारी, डॉक्टर साहब, और ये विभीषिका आजाद भारत की सबसे बड़ी विभीषिका साबित होने वाली है और मुझे लगता है इसमें हम जनता के सामने जितना सच रखेंगे जनता उतना आगे बढ़ के हमारा साथ देगी। और जनता की इस बात को समझना चाहिए कि अगर उन्हें तकलीफ पहुंची है तो ना मतलब आंकड़ों में हेरा फेरी करके उनके घाव पे नमक छिड़कने के बजाय हमें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, जो हुआ वो हुआ, आगे ऐसा होना हो, आगे इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इस विषय पे। बिल्कुल अश्विनी शाही जी, जरूरत है इस समय और भी ज्यादा सुविधाओं को दुरुस्त करने की, या ये संतुष्ट होकर बैठने के लिए कि आंकड़े कम हो गए हैं? बहुत अच्छे अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब, लेकिन डॉक्टर साहब से मेरा एक सवाल है बड़ी विनम्रता से कि डॉक्टर साहब क्या 2019 के पहले जो स्वास्थ्य सेवाएं हिंदुस्तान की थी और आज आप क्या अंतर नहीं पाते हैं उसमें? क्या सरकारों ने काम नहीं किया है? आप हाँ या ना का जवाब दे सकते हैं। अश्विनी शाही जी, जरूरत के हिसाब से काम बिल्कुल किया गया है, वो जरूरत थी, लेकिन उसके पहले तक व्यवस्थाएं क्यों इतनी बदहाली में जी रही थी, ये भी एक बड़ा सवाल है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई, इसको लेकर कोई मना ही नहीं कर रहा, व्यवस्थाएं दुरुस्त करना हमारे उस समय की जरूरत थी। अश्विनी जी को उत्तर देना चाहूंगा जी, अश्विनी जी मुझे सिर्फ एक बात का उत्तर दीजिए, आपकी जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है वो किन पटरियों पे चल रही है? क्या नई पटरियां बिछाई गई है या वही पटरियां जो ब्रिटिश अपने जमाने में छोड़ गए थे, जिनको कांग्रेस ने आगे बढ़ाया, आप उसी को चला रहे हैं? सर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना आपको इसलिए जरूरी है कि एक बायोलॉजिकल वॉर है, आपकी सेनाएं, आपकी सेनाएं, आपके मिसाइल, आपके टैंक सरहद पे धरे के धरे रह जाएंगे और आपका बहुत बड़ा जनसंहार हो जाएगा, सनातन धर्म का नाश हो जाएगा, हिंदू परेशान हो जाएगा, इस देश का हर नागरिक परेशान हो जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि आपको अपना डिफेंस बजट कम करके, जो डिफेंस बजट प्रेजेंट में उसका 50% हेल्थ की तरफ एलोकेट करना चाहिए? आप वैक्सीन की बात करते हैं, चले गए डॉक्टर, सुन लीजिए, वैक्सीन मैंने जो सवाल किया उसको आप वंदे भारत देना एक बहुत टेढ़ी खीर है। आप पूरे देश को एक टाइम तो हर्ड इम्यूनिटी के थ्रू वैक्सीनेट नहीं कर सकते, अगर कर भी दी तो 3 से 6 महीने वो चली जाएगी। तो आपको अपना सिस्टम इंप्रूव करने की जरूरत है। सेवाओं में भारत यहाँ आता था पहले 2019 के पहले और आज 21 में हम कहाँ खड़े हैं? तीन जगह है या आगे बढ़े हैं सर? लेकिन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट अगर कंपेयर करें, सोचिए आप 2014 से कितना समय था, हम बहुत कुछ कर सकते थे, ऐसी बात नहीं है सर राजेश, लेकिन कितना हुआ है विकसित, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। और अभी भी संतुष्ट होकर बैठ बात हो जाएगी, 56 सालों में लोगों ने क्या किया, 7 साल में हमसे अपेक्षा कर रहे हैं, 2 साल में कहिए ना, तो 56 साल बजाय 2 साल, चाहे वो अभी कीर्ति जी ने जो कहा उसको भी मानता हूँ कि समय की मांग थी, वो करने की जरूरत थी, तो चाहे भले ही उसका रास्ता करो ना हो, लेकिन हुआ तो बेहतर हुई है। और अब धीरे धीरे देखिए, मैं आपको बताऊंगा, उत्तर प्रदेश में 12 मेडिकल कॉलेज, आज जो हम 17 और मेडिकल कॉलेज हम दे रहे हैं पढ़ाई के लिए दे रहे हैं, डॉक्टर हमारे निकलेंगे उसमें से, प्रोड्यूस होंगे, 8 चालू हो गए, 9 का उद्घाटन अभी 30 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है या नहीं है? हेल्थ में चीजें बढ़ेंगे, अस्पताल होगा, डॉक्टर होंगे, सामान आएगा, दवाइयां होंगी, तो ये बेहतर है कि नहीं? में आगे बढ़े हैं और काफी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं, मेडिकल कॉलेज भी खुलने जा रहे हैं, ये तो मानने वाली बात होगी, लेकिन आप कहां तक सहयोग करें, क्योंकि थर्ड वेव को लेकर सहयोग की जरूरत है, प्रश्न की जरूरत नहीं है? मैं तो देखिए, सहयोग क्या, मैंने तो ओपनिंग स्टेटमेंट ही अपना सुझाव से शुरू किया था, लेकिन इनको अगर आत्ममुग्धता से प्रेरित होकर के छवि सुधार करना है तो भाई मैं उसकी बात तो देखिए, फिर तर्कपूर्ण बात तो तर्कपूर्ण तरीके से ही होगी। और रही बात, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ
कि आप टीम नाइन छोड़िए, प्रशासनिक लोगों को छोड़िए, आप सारा नेतृत्व अगर तीसरी लहर से लड़ना चाहते हैं तो केवल और केवल स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं से जुड़े लोगों और विशेषज्ञों के हाथ में सौंपिए, क्योंकि आपके प्रशासनिक अधिकारी तो भ्रष्टाचार को एकदम चरम सीमा तक लेके जा रहे हैं। मैं आपको मेरी बात पूरी हो जाए, सुन लीजिए, देखिए अब मैं सहयोग की बात पे आ रहा हूँ ना, मैं तो कह रहा हूँ गलतियां दुरुस्त करिए। कम से कम जो आपके एक्सपर्ट जो पास आउट बच्चे हैं फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर के, जो आपके एमबीबीएस जो इंटर्नशिप में है, उनको लाइए फील्ड में, बड़े बड़े अस्पताल बड़े बड़े जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन हैं उनके बच्चों को फील्ड पे वो करिए, वॉलंटियर्स को लाइए, ठीक है, बहुत जरूरी है इस वक्त, ठीक है, और हर संस्था जो भी कोविड फाइट में आपके फ्रंट लाइन पे है उनको पहले तो सुविधाएं दीजिए। जरूरत अश्वनी शाही जी है इस वक्त भी कि सतर्क रहे और आने वाले वेव के लेकर इस तरह की बयानबाजी ना करते हुए कि इसमें ढील दे दीजिए या उसमें ढील दे दी थी, इससे अच्छा होगा कि हम सतर्क रहे और सुविधाओं को और दुरुस्त करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस प्राइम डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो लगातार हम चर्चाएं कर रहे हैं कि कोविड की तीसरी लहर कितनी घातक हो सकती है, वही केरल में 22,000 से अधिक केस 24 घंटे में सामने आए, जो एक की घंटी है और जिसको लेकर चिंता एक बार फिर बढ़ जाती है। जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है कि पेडियाट्रिक कम्युनिटी के लिए तीसरी वेव बहुत ज्यादा घातक होगी, हालांकि ये सबसे अहम हो जाता है कि उस कम्युनिटी के लिए हम यानी कि बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स कितने लगाए गए हैं, इसको लेकर व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त की गई। हालांकि ये तर्क और वितर्क का जो दौर है वो चलता रहेगा, लेकिन इससे राजनीति से परे अभी भी चिंता बनी हुई है। तो मास्क जरूर पहने, हैंड सैनिटाइज करते रहे और हाँ, 2 गज की दूरी बनाए रखना बिल्कुल भी ना भूले। फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और हाँ, मेरे साथ देखते रहिए प्राइम डिबेट।